तो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली बिटकॉइन के बारे में, साथ में बात करेंगे शिबा इनू। बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज उसको लेकर सामने आ रही है, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं शिबा इनू के बारे में। इंपॉर्टेंट अपडेट मैं कहूंगा इसको, तो वीडियो बड़ी है। बहुत से टेक्निकल टर्म के बारे में बात करेंगे, रशिया यूक्रेन के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट बुलिश हो सकता है तो कहां से होगा और मार्केट अगर बेयरिश में जाएगा तो कहां से जाएगा। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो ऑफिशियल चैनल है मेक मनी गुरु उसको सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में जो क्रिप्टो आदिल बोल के हमने न्यू चैनल स्टार्ट किया है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। अभी के वक्त में दोनों पे सेम वीडियोस मिल रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर दोनों पे डिफरेंट कंटेंट मिलने की चांसेस है, तो आप दोनों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगा बिटकॉइन के टेक्निकल टर्म की। मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और आपसे मैंने ये भी कहा था कि इसको आप वॉच करो। मैंने मार्केट स्विंग लेवल दिए थे 41,900, 40,400 और 39,300 के करीब के। याद रखो जब तक मार्केट इन लेवल को सक्सेसफुल तरीके से अपसाइड में क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम मार्केट में न्यूट्रल रहेंगे। हम मार्केट में ये नहीं समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुका है या मार्केट यहाँ से बिल्कुल अब जा सकता है, क्योंकि देखिए ये जो लेवल्स मैंने डिटरमाइन किए हो ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने कई दफा, अगर आप देखेंगे इस वाले स्विंग को मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन किया था और इस वाले स्विंग को मार्केट ने हाई जाने के बाद रिजेक्शन करके डाउन किया था। तो अपने आप में ये जो स्विंग लेवल मैंने ड्रॉ किया हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक माइनर स्विंग लेवल है, अगर मार्केट इनको सक्सेसफुल तरीके से ब्रेकआउट करता है और मार्केट फिर जो अगला स्विंग रहेगा 44,500 डॉलर का, तो हम ये कहेंगे कि यस मार्केट यहां तक जाएगा। और एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए तो फिर माइनर स्विंग 51,800 है और मेजर स्विंग 65,600 है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्विंग लेवल है, जो कि मार्केट पिछले काफी लंबे टाइम से मैं कहूंगा मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, जिसके हर कोई इंतजार कर रहा है कि मार्केट एटलीस्ट पिछले ऑल टाइम हाई के करीब जाए। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग 104 दिन यहाँ पर हो चुका है। 104 दिन से मार्केट लगातार, एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड था, ठीक है डाउन ट्रेंड मार्केट कब तक था, डाउन ट्रेंड लगभग यहाँ पर 73 डेज का डाउन ट्रेंड लिया और उसके बाद साइडवेज स्ट्रक्चर कब यहाँ से जो चल रहा है अभी तक का वो तकरीबन 34-35 डेज का चल रहा है। तो एक लंबा डाउन ट्रेंड ड्यूरेशन हमने यहाँ पर देखा है जहाँ पर मार्केट करेक्शन भी कर रहा है, एक साइडवेज स्ट्रक्चर भी बना रहा है। टोटल एक राउंड फिगर की बात करें तो 107 से लेकर 110 दिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं मार्केट को डाउन जाकर। अभी हमें तो कई लोग यही एक फिकर में लगे हैं कि भाई बिटकॉइन यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज करेगा, मतलब बहुत से लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि मार्केट बियर ट्रेंड में एंटर हो चुका है अकॉर्डिंग टू द हाल्विंग साइकिल, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि नहीं अभी अभी मार्केट बेसिकली हुआ नहीं है। मेरी बात कहूँ तो मैं यही एक तरीके से दिल में दिल को राजी करके बैठा हूँ कि भाई हाल्विंग साइकिल का जो टाइमिंग है तो उसके हिसाब से तो हम बियर ट्रेंड में आ चुके हैं, लेकिन एक होप मैंने मार्केट से अभी भी लगा के रखा हूँ कि भाई जब तक 29,000 डॉलर का लेवल मार्केट ब्रेक डाउन यानी ब्लैक इसके बिलो ब्रेक नहीं करता है या क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम थोड़ी सी उम्मीद मार्केट के अंदर बनाकर रख सकते हैं कि यस मार्केट यहाँ से रिवर्सल यानी अपसाइड में चला जाएगा। अंटिल नाउ मार्केट के लोअर स्विंग दिए हैं, जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मार्केट के लोअर स्विंग है, जब तक मार्केट इन स्विंग को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर कोई बुलिश और बियरिश ट्रेड भी करना चाह रहे हो तो आप इन स्विंग लेवल के हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा अपना आपका बेसिकली मार्केट कैप, सॉरी यहाँ पर हम मार्केट कैप नहीं है, अल्टकॉइन इंडेक्स है, ठीक है, और अल्टकॉइन इंडेक्स सेम वही हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक तरीके से तो ये एक आपका प्रीवियस ट्रेंड लाइन है, ये आपका एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन थोड़ी बहुत हम मार्केट के अंदर रख सकते हैं कि मार्केट इसको होल्ड कर रहे हैं और मार्केट होल्ड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर मार्केट पुश भी कर रहा है अपसाइड के लिए। तो अगर ये सिनेरियो होता है तो मार्केट में हमको 1.65 ट्रिलियन के करीब मार्केट मिलेगा देखने को, और ये दिखना भी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन ने अभी तक कोई रिकवरी नहीं बनाई है, तो यही उम्मीद बना के रखा हूं मैं। अगर ये बिटकॉइन डाउन ज्यादा जाता है, अगर बिटकॉइन ज्यादा डाउन जाता है तो कहीं ना कहीं अल्टकॉइन अपसाइड में जाना चाहिए और तभी हम अल्टकॉइन के अंदर भी प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन होल्ड अभी इसलिए करके रखा क्योंकि अल्टकॉइन का रैली अभी तक नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ शिबा इनू के टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा, प्लस यहाँ पर कुछ न्यूज आ रही है। तो सबसे पहले न्यूज मैं यहाँ पर कवर करना चाहूंगा वो बेसिकली यहाँ पर है कि 30 मिलियन शिब टोकन बर्न किए गए हैं और उसके बाद प्राइस के अंदर 17% का इंक्रीज हमको देखने को मिला है, रिकवरी देखने को मिला है। तो अकॉर्डिंग टू द शिपमेंट ट्रैकर 30 मिलियन टोकन बेसिकली बर्न किए गए हैं रिसेंटली नेटवर्क के जरिए,
और यहाँ पर जो 30 मिलियन शेवा टोकन है बेसिकली उनको ट्रांसफर किया गया है बर्न एड्रेस। देखिए बर्निंग सिस्टम कोई आग जलाना नहीं होता है, एक ऐसा एम्प्टी एड्रेस बनाया जाता है जहां पर उस फंड को भेजा जाता है और उसको कोई एक्सेस नहीं होता है, तो एक तरीके से इसको बर्निंग टोकन एड्रेस कहा जाता है। तो जो 30 मिलियन एड्रेस है वो बर्निंग एड्रेस को सेंड किए गए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली तो यहाँ पर अगर बेसिकली बात किया जाए तो कंस्टेंटली मार्केट शिबा इनू से बर्न हो रहे हैं। इनका मेन एम यही है कि भाई यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा शिप टोकन को बर्न करना चाह रहे हैं। टिल नाउ की अगर बात करें तो 430 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पर ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू यू डॉट टूडे रिपोर्ट शिबा इनू बेसिकली यहाँ पर टॉप मार्केट के अंदर आ रहे हैं, यानी जो टॉप वेल्स है वो लोग शिबा इनू को एक तरीके से एक्यूमुलेट लगातार कर रहे हैं। और एज पर द शिबा इनू वेल्स यहाँ पर तकरीबन 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ टोकन यहाँ पर होल्ड हो रहे हैं वेल्स की ओर से, क्योंकि हम सभी को पता है मीम टोकन का एक ट्रेंड मार्केट में चला था और उस ट्रेंड के बाद मार्केट में कई दफा शिबा इनू को वेल्स की ओर से अडॉप्ट किया गया है, वेल्स की ओर से परचेज किया गया है बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, और वो उसको अलग अलग तरीके से मार्केट के अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सेकंड जो अच्छी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही वो है शिबा इनू बेसिकली यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं टोकन बर्न पोर्टल। इनका मेन एम यहाँ पर ये होने वाला है, मेन सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है रिसेंटली कि यहाँ पर वो टोकन बर्न पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिसका प्रोजेक्ट का मेन गोल यहाँ पर ये रहेगा कि वो रिड्यूस करने वाला है सप्लाई को, यानी जो टोकन की सप्लाई में जो टोकन है वो सप्लाई में से कम करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा है जहां पर हमने देखा है कि मार्केट में ऑलमोस्ट 30 मिलियन टोकन कम हुए हैं। रिसेंटली जो एएमए हुआ था वहां पर इनके जो एक मेंबर थे उन्होंने यहां पर बताया है कि भाई हम यहाँ पर एक तरीके से लॉन्च करने वाले हैं टोकन बर्न पोर्टल, जहाँ पर इनका मेन मकसद यही है कि वो टाइम टू टाइम अपने टोकन को बर्न करेंगे और भी अदर फीचर्स वहाँ पर लाने वाले हैं। अनुअल टाइम के अंदर उसके ऊपर भी अपडेट मिल जाएगा। अगर अभी तक की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट जो सप्लाई है उसमें से 41% सप्लाई यहाँ पर बर्न हो चुकी है, ठीक है, और बहुत बड़ी सप्लाई मैं मानूंगा 41% सप्लाई को यहाँ पर बर्न हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 90% की सप्लाई यहाँ पर बर्न होने वाली है एनुअल टाइम के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि अनदर थिंग दैट इज वर्थ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इज दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू रीच बर्निंग रेट, वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं कि वो बर्निंग रेट 90% तक लेके जाएंगे। तो जो लोग ये सोच रहे कि 90% तक बर्न होगा 10% रहेगा, नहीं ऐसा पॉसिबल है। 41% टिल नाउ बर्न हुआ है, आगे का जो भी प्लान रहेगा एनुअल टाइम के अंदर वो बता देंगे उसके अंदर। और हम सभी को पता है जब शिबा इनू रिलीज हुआ था $1 बिलियन वर्थ ऑफ टोकन यहाँ पर डोनेट किए गए थे कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड जो इंडिया की ओर से लॉन्च किया गया था, और ये डोनेट किसके तरफ से किए गए थे, विटालिक जो क्रिप्टो को फाउंडर है इथेरियम के, और यहाँ पर वही बात की गई 410 ट्रिलियन शिप अभी तक रिमूव हो चुके हैं, और बहुत सी उन्होंने फिर यहाँ पे और भी चीजें मेंशन की है। इन शॉर्ट ओवरव्यू आपको बताना चाहूँ तो शिप टोकन की कम्युनिटी बड़ी है, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को एक तरीके से पंप करवा सके, और टेक्निकल टर्म के हिसाब से वो मूवमेंट ले रहे हैं। पंप करवा सके इसका मतलब ये नहीं कि बस पंप एंड डंप, वो टेक्निकल टर्म पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको पता है अपनी सप्लाई बहुत बड़ी है तो उसको वो कम करने के लिए बहुत से चीजों के ऊपर अपना हाथ पैर मार रहे हैं, जो कि अपने आप में अच्छी चीज है। अब अगर शिबा इनू का टेक्निकल की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो रिस्क बन रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल उसके हिसाब से बताऊंगा 31% का रिस्क है, ठीक है, और यहाँ पर जो टारगेट है वो लगभग 213% का टारगेट है। तो मैं किसी को ये तो नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पर ट्रेड लो, लेकिन अगर आप ट्रेड लेने में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो 30% का, तो इस ट्रेड को आप देख सकते हो। बाकी वही चीज बोलूंगा, अभी मार्केट में ट्रेड लेने का सही टाइम नहीं है। इसकी मेन रीजन यही है कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, वो लगातार लगे है एक दूसरे, मतलब रशिया लगातार लगा हुआ है यूक्रेन के ऊपर, लगातार अटैक कर रहा है, और काफी काफी खराब न्यूज वहां पर हमको देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट मार्केट अभी तक ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा, कोई खास मार्केट में चेंजेस नहीं है। कब तक वॉलेटाइल रहेगा ये हम अभी बता नहीं सकते, कब तक इनका वॉर चलेगा, और अगर ये World War III में कन्वर्ट हो जाता है तो भाई मार्केट की हालात बहुत ज्यादा बदतर हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये World War III में कन्वर्ट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो और बिटकॉइन को बहुत ज्यादा पंप देखने को मिल सकता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि World War III स्टार्ट हो जाए ताकि क्रिप्टो पंप हो, बिल्कुल नहीं,
क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वॉर वन और टू की हिस्ट्री देखेंगे तो करोड़ों से लोगों की हत्या हुई है यार, इसमें आम नागरिक बहुत ज्यादा मरे हैं, हर हर कंट्री के फौज मरे हैं, तो बहुत खराब बात है, ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखो रशिया और यूक्रेन के बीच के जो क्राइसिस है, अगर ये खत्म नहीं होते, अगर रशिया यूक्रेन का अटैक करना बंद नहीं करता और अगर उसके अंदर नाटो आ जाता है तो मुझे लगता है ये चीजें बढ़ जाएंगी। अगर यूएसए, नाटो या अदर कोई कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है यूक्रेन के साइड से, तो फिर ये जंग बहुत बड़ी हो सकती है, इसको फिर कोई रुकना इतना आसान पॉसिबल नहीं मिलेगा। तो टिल नाउ मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, ट्रेड करना चाह रहे हो तो सेफ साइड करो, बिल्कुल आराम से करो, कोई ज्यादा जल्दी मत करो, क्योंकि एक तो लिवरेज से दूर रहो सबसे पहले, जिस मार्केट सडनली पंप और डंप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, करना चाहते हो स्पॉट में करो लेकिन स्टॉप लॉस यूज करके करो। और अगर आप नहीं इतने बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो मैं इतना ही बोलूंगा मार्केट से दूर रहो, क्योंकि ये मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई है, कहीं ना कहीं जाकर फंस जाओगे तो बड़ा खासा नुकसान आप कर लोगे। तो गाइस टिल नाउ ये मार्केट का ओवरव्यू अपडेट था, मार्केट में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो आपको वीडियो के जरिए दोबारा अपडेट जरूर करूंगा। और एज ऑफ नाउ मार्केट में ट्रेड ना करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो लीवरेज से दूर रहो, क्योंकि आपको थोड़ा सा मार्केट में ग्रीन दिखा तो आप लोग वापस एंटर ले लेते हो, मार्केट सडनली डंप होगा फिर से बड़ा लॉस हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगा नॉर्मल टाइम के अंदर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करो। टिल नाउ अपने ख्याल रखो।